आज हम कर रहे हैं भक्तिन पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर। भक्तिन पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो सबसे पहला प्रश्न जो CBSE 2017 और 2012 में आया हुआ है, यह प्रश्न है पाठ के आधार पर भक्तिन की तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात है कि भक्तिन महादेवी का की सेविका हैं। सेविका एक तरह से यहाँ पर वैसे नौकरानी हैं वो, लेकिन उनके साथ सेविका जैसा बिहेव नहीं किया जाता है, बल्कि उनके सेवा भाव में माँ जैसी ममता है। या हालांकि वह अपने स्वभाव में कठोर हैं, रूखी हैं, दुराग्रही हैं, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा उनके प्रति विशेष आदर रखती हैं और वह अपनी स्वामिन को महान मानती है। लक्ष्मी जो है अपनी स्वामिनी को महान मानती हैं, महादेवी जी को महान मानती हैं। उसका भला चाहने के फेर में उसकी रुचियों और आदतों में भी परिवर्तन कर देती हैं। उसका सेवा भाव अनुकरणीय है। भक्तिन जो है 24 घंटे महादेवी के साथ साथ रहती हैं और छाया की तरह उनका साथ निभाती हैं। महादेवी के कुत्ते बिल्ली सो जाते हैं, लेकिन वह जागती रहती है। उसकी नज़र अपनी स्वामिन की नज़रों पर रहती है। महादेवी जिधर भी जिज्ञासा से देखती है, भक्तिन वहीं उनकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। वह डरपोक और कंजूस भी है, परंतु वह अपनी स्वामिन के लिए डर और कंजूसी को भी दरकिनार कर देती है। वह युद्ध में, यात्रा में कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ती और वह सचमुच समर्पित सेविका है, जिसने अपनी सद्भावना के बल पर उनकी माँ का स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, दूसरा प्रश्न CBSE 2013 में ये प्रश्न आ चुका है, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भक्तिन पाठ को पढ़ करके पता चलता है कि हमारा समाज विधवा को अपना शिकार मानता है। समाज में विधवा महिलाओं के साथ कोई भी सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। भक्तिन के परिवार में उसके जेठ और जेठ के बच्चे उसे घर संपत्ति से लूट करके पंगु बना देते हैं और विधवा होने के कारण हमेशा उसकी लड़की को भी परेशान करते रहते हैं। एक ऐसा ही आवारा युवक विधवा पर धावा बोलने के लिए उसे प्रेरित करता है और उनके साथ घृणित व्यवहार करता है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल होती हैं। यहाँ तक कि गांव की पंचायत भी विधवा की लाज की रक्षा नहीं कर सकती, वे भी विधवाओं के लिए बेड़ियाँ तैयार करती हैं। CBSE 2014 में जो है 2014 में एक क्वेश्चन आया है, भक्तिन बागपटुता में बहुत आगे थी, इस पाठ के आधार पर उदाहरण देकर के पुष्टि करिए। आपने पाठ पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था, तो आपने देखा होगा कि वह अपनी हर बात का जवाब पूरी तर्क शक्ति से देती थी और वह तर्कपटु भी थी, यानी वाक्पटु थी, बोलने में चतुर थी। उसे कहा गया कि वह घर में इधर उधर रखे पैसों को मटके में क्यों डालती है, यह तो चोरी है। लेकिन वह इसे चोरी नहीं मानती है, वह कहती है कि मैं पैसे संभाल कर रख देती हूँ। इसके लिए वह तर्क देने को तैयार हो जाती है और वह अपने केश मुंडाने को लेकर भी शास्त्रों का हवाला देती है। और पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए हमारी मालकिन रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, अब मैं भी पढ़ने लगूं तो घर गृहस्थी कौन देखेगा, इस प्रकार के तर्क वह देती हुई दिखाई देती हैं। एक और प्रश्न आया है, दो कन्याओं को जन्म देने के बाद भक्तिन पुत्र की इच्छा में अंधी अपनी जिठानियों के घृणा और उपेक्षा का पात्र बनी रही, इस प्रकार के उदाहरण भारतीय समाज में अभी भी देखने को मिलते हैं, इसका कारण और समाधान बताइए। कारण क्या है, लोग पुत्रों को महत्व देते हैं और पुत्री को सही नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि पुत्र तो पैसे कमा करके देगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जबकि पुत्रियों की शादी कर दी जाएगी तो वो उनके कुछ भी काम नहीं आने वाली हैं। समाधान क्या है इसका, लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें नौकरी व्यवसाय आदि करने के लिए
तैयार करना ताकि कोई भी समस्या अगर उनके सामने आती है तो वो पढ़ाई से अपनी उस समस्या का समाधान कर सकें। और लड़का हो या लड़की, दोनों को परमात्मा की संतान मानना चाहिए, दोनों को एक साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न आ जाता है, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था? भक्तिन का नाम था लक्ष्मी, लेकिन वह बहुत ही गरीब थी। महादेवी में भी महानता और महिमा का भाव है, लेकिन वह अपने आप को बिल्कुल सामान्य नारी मानती हैं और कहती हैं कि दोनों के नामों में विरोधाभास है। प्रश्न है, भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों? पाठ के आधार पर अपना उत्तर बताइए। महादेवी वर्मा जी ने जब उसे काम पर रखा था तो उसे लक्ष्मी नाम था उसका, लेकिन उसे भक्तिन नाम दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि गले में वह एक माला पहन करके रहती थी, लेकिन उसमें लक्ष्मी जैसा कोई गुण नहीं था और वह इस नाम से बचना चाहती है। तब महादेवी जी उसके गले में एक कंठी माला देखती हैं और उसे भक्ति नाम रख कर के सम्मानित करती हैं। भक्ति नाम उसे पसंद भी आ जाता है। प्रश्न है, पुत्र की चाह में परिवार के लोग ही कन्या को जन्म देने वाली माँ के दुश्मन हो जाते हैं, इस प्रवृत्ति पर भक्ति पाठ के आधार पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हमेशा भारत में चाहे कितना भी सभ्य समाज हो, पुत्रों को जन्म देने वाली माँ का सम्मान होता है और कन्याओं के साथ तिरस्कार की भावना रखी जाती है। अधिकांशतः ये पाया जाता है, सभी स्थानों पर नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो है बात चल रही है सामान्य दया की। तो भक्तिन का जीवन इस बात का प्रमाण है। उसकी सास के 3 पुत्र थे और जिठानियों ने काले कलूटे पुत्रों को जन्म दिया तो उनका भी सम्मान हुआ और उन्हें खूब खाना, अच्छा खाना दिया जाता था। लेकिन भक्तिन के 3 बेटियां हुई थी, इसलिए उसका अपमान किया जाता था और यही कारण था कि उससे घर के सारे कठिन कार्य भी कराए जाते थे और बच्चियों को खाना भी अच्छे से नहीं दिया जाता था। एक और प्रश्न जो CBSE 2017 में आया हुआ है, भक्तिन लाट साहब तक लड़ने को तत्पर क्यों थी? इसके उसके स्वभाव की कौन सी विशेषता का पता चलता है? जब भक्तिन को बताया गया कि महादेवी को जेल जाना पड़ेगा तो वह उनके साथ जेल जाने को तैयार हो गई। उसे बताया गया कि बड़े लाट साहब इसके लिए इजाज़त नहीं देंगे तो वह उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसकी असीम स्वामी भक्ति का परिचय यहाँ पर मिलता है।